भारत में इस वक्त महंगाई बदनवानी और वबाई अमराज ज़ेर बहस मुद्दे नहीं रहे बल्कि आबादी को निशाना बनाकर बीजेपी की ज़ेरू क्यादत हुकूमतें आबादी को कंट्रोल करने के लिए खवानी बनाने की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से कर रही हैं इसीलिए आसाम में आबादी को ख़बू में करने की इकदाम के सिलसिले में गुज्त रोज़ वजी अल हेमंत बिसवा शर्मा ने इसम्बली में बयान दिया कि रियासत में पापुलेशन आर्मी की तश्कील दी जाएगी जो मुस्लिम इलाकों की आबादी को काबू में करने के लिए काम करेगी उन्होंने कहा कि पापुलेशन आर्मी मुस्लिम इलाकों में फैमिली प्लानिंग के तकसीम करेगी और आबादी को कम करने के लिए बेदारी भी पैदा करेगी उन्होंने कहा कि एक हजार अफराद पर मुश्तम इस फौज को आसाम के जैली इलाकों में भेजा जाएगा ख्याल रहे कि की वजी अला आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा के मुतना पापुलेशन कंट्रोल की तजवीज़ पर लोगों में गम गुस्सा पाया जा रहा है जबकि इनके नक्शो कदम पर चलते हुए उत्तर प्रदेश समेत बीजेपी की जैर रियासतें भी इस तरह की इकदाम उठा रही हैं हेमंत बिश्वा शर्मा ने इसम्बली को मतलब किया कि रियासत के मगरबी और वस्ती हिस्सों में आबादी की सूरत हाल धमाका खैज हो चुकी है उन्होंने कहा कि आबादी को खाबों में करने के इकदाम के तो बेदारी पैदा करने और फैमिली प्लानिंग के ज़राओं को फराहम करने के लिए एक हज़ार नौजवानों को मामूर किया जाएगा इसके साथ साथ आशा वर्कर्स को भी काम के लिए लिया जाएगा दरी इ हेमंत बिस्व शर्मा ने एक मरतबा फिर आबादी के बेतहाशा इजाफे के लिए मुसलमानों को मोरद इल्जाम ठहराया उन्होंने कहा कि 2001 से दो तक आसाम में हिंदुओं की आबादी में इजाफे की शराब दस फीसद थी तो मुसलमानों में शराब उनतीस फीसद थी उन्होंने कहा कि कम आबादी होने के सब हिंदुओं की रिहायशी आलिशान हुई है और इन गाड़ियाँ भी मैसर हो रही हैं जबकि मुसलमानों की आबादी ज्यादा होने की वजह से वो गुरबत का शिकार हो रहे हैं नैज़ इनके बच्चे अली तलीम हासिल करने से भी महरूम हो रहे हैं वाजह हो कि आसाम और मग़रबी बंगाल में बंग्लादेशी घुसपैठे को बहाना बनाकर पिछले साल तक एन आर सी नाफिज करने की पहल हुई थी जिसमें बीजेपी को शदीद नाकामी हाथ लगी और एनआरसी के नाम पर इन्हें रसुआ भी होना पड़ा बिर रिपोर्ट खराब न्यूज़ गोवाहाटी